हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ओके थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग एंड वेलकम मैं हूं अचिंता हजरा और आज हम पेंटिंग करेंगे केदारनाथ जी केदारनाथ केदारनाथ टेम्पल एंड ये आर्किटेक्चर के ऊपर आ जाता सब्जेक्ट सिटीस्केप भी मानते हम चलिए देखते हैं इसके अंदर किस तरह से हम इसे कंप्लीट करते हैं और ये कलर कॉम्प्लीमेंटरी कलर यूज़ किया गया कलर व्हील को आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा चलिए हम अभी शुरू करते हैं थैंक यू फ्रेंड्स और यहाँ पे कोबल्ट ब्लू थोड़ा सा यूज किया हल्का सा Hello, Rasmiji. Welcome. Thank you. और उसके साथ एक्चुअली uh, मेन जो दो कलर है वो टारकोइस है और ऑरेंज है और टारकोइस के अगर हम कलर सेट लेंगे टारकोइस के ऊपर जो कलर है वो इंडिगो है और ऑरेंज के ऊपर जो कलर मैंने रखा है वो है रेड uh, ब्राउन तो कॉम्प्लीमेंटरी कलर के अंदर ओनली दो कलर को लिया जाता है दो कलर को लेकर के एक सेट बनाया जाता है कलर सेड आप दो कलर को लेकर के आप दस कलर सेट बना लीजिए इस तरह से एक प्लानिंग किया जाता है कि इतना ही कलर में हम इसको कंप्लीट करेंगे उससे क्या होगा आपका पेंटिंग थोड़ा सा सुंदर दिखेगा और बहुत ज़्यादा कलर यूज़ होने से आप बचेंगे अगर आप बिगनर्स हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिको के साथ हम कलर यूज़ कर रहे हैं इंडिगो और कार्कोज ब्लू अभी थोड़ा सा मैंने आ, कहीं कहीं पर सूखा रखा था ड्राई कहीं कहीं गीला रखा कहीं पर तो उससे कुछ स्प्रेड भी होगा कुछ ड्राई स्टोक भी रहेगा और ये केदारनाथ का टेम्पल मैंने ये चौथी बार बना रहा हूँ इस तरह से काम करने से आपके कलर कॉन्सेप्ट भी बड़ा क्लियर होता है अच्छा होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर मोड में आपको काम करना चाहिए और यहाँ पे मैं केदारनाथ टेम्पल को एकदम संभाल के काम करूँगा चलूँगा संभालते हुए और ये जो ब्रश है कैलीग्राफी ब्रश है और कलर है मिशन गोल्ड पेपर है आर्चिस 185 एट्टी फाइव जिसम राफ आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल के जवाब देने की और आप अगर मेरे चैनल पे नया आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं वाटर ड्रॉप कर रहा हूँ कलर को स्ट्रेट करने के लिए अब कुछ भी कलर यूज़ ना करें कलर कोई भी यूज़ करेंगे तो आपको प्लानिंग होना चाहिए कलर व्हील के अंदर आप जाके प्लान कर सकते हैं थैंक यू विश्वजीत जी थैंक यू सो मच और आर्किटेक्चर के पेंटिंग में आप फ्लैट ब्रश यूज़ ज़रूर कीजिएगा जब बिल्डिंग्स में काम करते हो कुछ फ्लावर्स के काम में भी हम फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको भी समझ में नहीं आएगा कौन सा ब्रश कहाँ यूज होता है इस तरह से यहाँ पे जो राइट में हमने नंदी बनाया उसको भी संभाला उसके ऊपर कलर ना आ जाए टोटली मैं टेम्पल को अभी संभाल के काम कर रहा हूँ और आपको मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ इस तरह से ये पेंटिंग कंप्लीट होने वाला है कुछ इस तरह से बनेगा पेंटिंग और पूरा वीडियोस आपको दिखाया जा रहा है रॉ फाइल यहाँ पे कुछ एडिटिंग कुछ क्राफ्ट कुछ नहीं होगा जो भी रॉ फाइल होगा तीन रॉ फाइल है आपको शेयर किया जाएगा कुछ इस तरह से कम्प्लीट होगा ये पेंटिंग इसी को छोटे मोटे जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं और आप चैनल पे नया आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कई बार बिगनर्स जो बैकग्राउंड होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बार बार काम करते बार बार कलर अप्लाई करते उससे जो उसका डेप्थ है वो खत्म हो जाता है उस सॉफ्टनेस चला जाता है उससे भी ध्यान रखना होगा बार बार काम कहाँ पे करना है कैसे करना है जैसे पोर्ट्रेट करते उसमें हम बहुत सारे लेयर हम यूज़ करते उसका एक टेक्निक्स अलग है वो हर बार ड्राई करके हम यूज़ करते तो उस चीज़ को ध्यान रखना होगा अगर आप इस तरह से करते हैं तो ड्राई भी करना जरूरी है नहीं रश्मि जी ऐसा कुछ नहीं है आ, मैं चेंज करता रहता हूँ कलर भी और बहुत सारे कंपोज़िशन भी मैं आ, को, करने की कोशिश करता हूँ हाँ ये बात तो है कुछ कलर व्हील के अंदर आ, हर किसी को हर कलर पसंद नहीं आ सकता है जैसे पार्पल मुझे बहुत ज़्यादा पर, पसंद नहीं है तो मैं यूज़ करता नहीं हूँ उसी तरह मतलब जो मुझे कलर पसंद आता है उस कलर व्हील के अंदर ऐसा है जैसे कॉम्प्लीमेंटरी कलर में हम दो कलर लेना है तो आप चॉइस कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगता है वो दो दो कलर आप ले सकते हैं तो मुझे ये दो कलर बहुत अच्छा लगा था जिसके वजह से मैंने ये चूज़ किया और कई बार सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है किस तरह से सब्जेक्ट uh, है उसके ऊपर आप कलर को चूज़ कर सकते हैं चॉइस कर सकते हैं हेलो नीला दीदा फाइन फाइन थैंक यू दादा ये कलर व्हील को अगर अच्छी तरह देखेंगे हम तो हमें ये सारे तमाम कलर मिल जाता है और इसके लिए एक क्या बोलूँ वेबसाइट भी है आजकल बहुत सारे वेबसाइट है जिसके अंदर आप कलर को वहाँ पे आप, आप काम करने से पहले एक बार देख भी सकते हैं बनाने की कोशिश कर सकते हैं आप मतलब कुछ नहीं करना वहाँ पे आपने आ, दो कलर सिलेक्ट करना और उस व्हील के अंदर घुमाने से आपको आ, उसके अल्टरनेट कलर कौन सा बन रहा है वो दिखा देता है मिनिमम थी थ्री हंड्रेड जी एस एम तो होना चाहिए रश्मि जी थ्री हंड्रेड जी एस एम तो होना ही चाहिए उसके ऊपर भी जाए तो अच्छा कोई खराब नहीं है अच्छा है और ये जो है मेरा वन एट्टी फाइव जी एस एम मैं ज़्यादा प्रैक्टिस के तौर पे मैंने ये पेपर उठाया था uh, ये मैंने रोल लिया था आर्चिस का रोल है ये वन एट्टी फाइव जी एस एम में लिया था बहुत ज़्यादा मैं ऑनलाइन uh, क्लास में डेमो देता हूँ यूट्यूब में ये वो म, मेरा खुद का भी प्रैक्टिस के लिए मैं इस तरह से पेपर यूज़ कर रहा हूँ बट वाटर कलर को अगर देखा जाए तो 300 हंड्रेड जीएसएम में बहुत अच्छा रहता है मतलब आप लेयर बाई लेयर यूज़ कर सकते कोई दिक्कत नहीं है 300 हंड्रेड ओके नीला दीदा हैबिट हो गया अरे <laughs> मिस्टर नीलादी आजकल जो सिंथेटिक ब्रश है ना वो अच्छे अच्छे आई सिंथेटिक ब्रश और मॉप ब्रश मॉप ब्रश के अंदर भी सिंथेटिक भी होता है और ब्रश के अंदर भी सिंथेटिक होता है आपके क्वेश्चन ये होना चाहिए था सिंथेटिक या नेचुरल हेयर वेलकम रश्मि जी वेलकम आ, एक सेकेंड मैं अभी आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ ओके okay. ये मैंने शेयर कर दिया आप देख लीजिए ज़रा इस साइट पे आप जाके कलर व्हील को समझ सकते हैं देख सकते हैं अच्छा है मैं कई बार हम यूज़ करते हैं इस इस साइट को अरे शुक्रिया 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 नीला दिवस बॉस शुक्रिया अरे प्रतीक गुड इवनिंग कोई बात नहीं यूट्यूब पर रिकॉर्ड रहता है ये सिस्टम है आप बाद में देख लीजिएगा कोई बात नहीं बट आपको थोड़ा सा टेक्निक्स याद ही है हम अभी ताज़ा ताज़ा किया था ओके मैं हमेशा की तरह हर वीडियो में ये बताता हूँ और जैसे कि आपको दिख रहा है ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो आपको अगर ज़्यादा सीखना है जल्दी सीखना है तो क्लास ज्वाइन कीजिए चाहे मेरा चाहे किसी और आर्टिस्ट का आजकल ऑनलाइन में क्या है बहुत अच्छा है अब घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं है आराम से आप सीख सकते हैं यहाँ पे मिस्टर नीलादी भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है यह भी ऑनलाइन क्लास करते हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट है जो ऑनलाइन क्लास करते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते अब मैं तो रिकमेंड करूँगा आप एक महीना क्लास अटेंड करो जो बिगनर्स है आपको बहुत कुछ समझ में आएगा हाँ मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ मिशन गोल्ड का रश्मि जी मैं मिशन गोल्ड का कलर यूज़ कर रहा हूँ अभी मिशन गोल्ड का ही है मिश्रण गोल्ड यूज़ करता हूँ एक शनेलियर यूज़ करता हूँ और एक दो कलर है जो कैमल आर्टिस्ट वाटर कलर है वो मैं यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे आ, अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा अरे नीलाद्री भाई थैंक यू थैंक यू सो मच ओके वाटर कलर में ना क्या है ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है पेपर आपका है कलर आपका है आप करते रहिए मतलब हो जाएगा एक नहीं दो नहीं आपको 200 पेंटिंग करना है तो अब जाके आपको वाटर कलर थोड़ा समझ में आएगा ये बात मैंने नहीं विजय बिशवाल सर ने भी कहा है तो आपका जिस दिन टू हंड्रेड पेंटिंग बन जाएगा आपको थोड़ा बहुत वाटर कलर कैसे काम करता है आपको समझ में आ जाएगा और ड्राइविंग जैसा है आपको ड्राइविंग आ जाएगा उस समय ओके okay, जैसे कि मैं कह रहा था मेरे ऑनलाइन क्लास के बारे में तो मेरे ऑनलाइन क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स के जो टास्क दिया जाता है उस पेंटिंग्स को रिव्यू किया जाता है जिसके जिससे क्या होता है उस स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो समझ में आए क्लियर रिव्यू मस्ट हम करते हैं हर आर्टिस्ट का हर स्टूडेंट्स का और इस तरह से उनको क्लियर हो जाता है जल्दी और चार बेसिक क्लास है चार एडवांस क्लास है ग्रुप ए की है जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स बेसिक्स है वो भी एडवांस ज्वाइन कर सकते हैं जो एडवांस है जिसको थोड़ा बहुत बेसिक की जरूरत है वो भी बेसिक भी फॉलो कर सकते हैं और इसके लिए आज के डेट में मैं वन थाउजेंड रुपया लेता हूँ महीने में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर सारे कम्पोजिशन कलर बहुत सारे कॉम्पोजिशन हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन में काम करते हैं तो सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ यूट्यूब पर रिव्यू नहीं होगा यूट्यूब में बहुत सारे टाइम नहीं हो पाता जितना आपको सिखाया जाता है बट वहाँ पे आप पूरा माइना टच में रहते हैं एक व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर आप रहते हैं किसी भी आपको सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत करने के लिए मौका मिलता है मुझसे आप ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आप कॉल कर सकते हैं इस तरह से तो ये तो ये था मेरा ऑनलाइन क्लास के डिटेल अभी चलते टेम्पल की और आप देख सकते कुछ कुछ वेट इन वेट कुछ ड्राई अच्छा जब शुरू में हम काम करेंगे पानी का मात्रा ज़्यादा होगा ओके पानी का मात्रा हम 80 परसेंट करेंगे 70 परसेंट टू एट्टी परसेंट हम पानी रखेंगे उसके बाद धीरे धीरे पानी कम होता जाएगा कलर ज़्यादा होता जाएगा ठीक है लास्ट में जाके थोड़ा ड्राई ड्राई डार्क डार्क कलर हमें देखने को मिलता है ओके okay, ये कंप्लीट होने के बाद दिखेगा एक फाइल मेरा कंप्लीट हुआ अभी दूसरा मैं फाइल दिखाता हूँ घबराने के बाद नहीं है ये कंप्लीट फोटो है और ये रहा मेरा दूसरा वीडियो ये जो डार्क कलर आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ ये रेड ब्राउन है और जो राइट में नीचे दिख रहा है वो तो इंडिगो है इंडिगो टार्कोइस कूल कलर हो गया और ऑरेंज और रेड ब्राउन हो गया वार्म कलर तो अच्छा तो लगना ही है कम्पोजिशन और कलर हाँ बोलो कई बार छोटे छोटे जो कलर होता है मान लीजिए लाइट कलर यूज़ करना है तो वहाँ पे बिगनेस जो है स्पेस छोड़ना चाहता है तो ज़्यादा स्पेस छोड़ते हैं तो पेंटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता तो छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा कलर जो है आप डायरेक्ट कलर को यूज़ कर सकते उसके अंदर थोड़ा सा आप वाइट कलर ऐड कर देंगे तो वो कलर का जो चमक है शाइनिंग है वो आ जाएगा तो बहुत छोटे छोटे जहाँ पे काम है कलर का काम है जैसे आप देख सकते हैं मैंने ब्लू के अंदर थोड़ा सा वाइट ले लिया तो चमकने लग गया तो इसके लिए आपको वाइट स्पेस छोड़ के छोड़ने की जरूरत नहीं है छोटे छोटे व्हाइट स्पेस छोड़ेंगे और तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा वो अब रेफरेंस फोटो को एडिट कीजिए ब्लैक एंड वाइट में आपको कलर स्केल पता लग जाएगा कलर वैल्यू समझ में आ जाएगा प्रतीक जी ये कलर फेड होता है इसलिए पानी ज़्यादा होता है यहाँ पे पेपर गीला रहता है हम हमसे भी होता है इसलिए पेपर वाइट का जो वाइट काफ़ी अच्छा होता है और ये पेंटिंग्स को अगर फॉलो करेंगे लास्ट तक तो ये भी थोड़ा फेड हो जाएगा क्योंकि मेरे सामने पेंटिंग रखा हो मुझे दिख रहा है और मुझे मालूम है थोड़ा फेड होता है वाइट कलर जो है इसीलिए कहते हैं पेपर वाइट अच्छा है बट जितना चाहिए उतना हो जाता है उससे बहुत ज़्यादा आपको वाइट लाइनिंग की जरूरत है वाइट की ज़रूरत है मोटा स्पेस है तो आप वहाँ पे पेपर वाइट छोड़ने की कोशिश कीजिए हाँ मिस्टर नीलत काम चल रहा है तो मुझे उम्मीद है इक्कीस में आपको ये अवेलेबल होगा मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ थैंक यू और जितना पेंटिंग लास्ट में मतलब एंडिंग की तरफ जाता है वहाँ छोटे 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 काम होता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको फॉलो करना और मैं हमेशा कहता हूँ लास्ट फिफ्टीन मिनट आपने ज़रूर देखना है वीडियोस को उसमें बहुत कुछ चेंजमेंट आता है जो हर आर्टिस्ट करते हैं अब कैम जो वाटर कलर का ही जो है एक वाइट आता है चाइनीस वाइट है आप यूज़ कर सकते हैं कलर को ठोस क्या बोलते हैं प्योर कलर को लीजिए पानी मत मिलाइए तो वो दे देगा थोड़ा अब थोड़ा सा पानी मिला देते तो वहीं पे गड़बड़ हो जाता है देखिए यहाँ पे छोटे 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 काम है बट थोड़ा सा आपको समय देना है क्योंकि यही तो मेरा सब्जेक्ट है और एक बार मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इस तरह से कंप्लीट होगा पेंटिंग कुछ इस तरह से आपको दिखेगा एंड में ये मेरा कंप्लीट पेंटिंग है और चलिए अभी हम वीडियो को देखते हैं और क्या क्या हम उस पर काम कर रहे हैं ओके okay फ्रेंड्स आप अगर विज़िट किए हैं और थोड़ा अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक जो है दूसरे आर्टिस्ट भाइयों तक पहुंच जाता है और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे मुझे उम्मीद है क्योंकि 300 वीडियोस है मेरे चैनल पे जो कि आपको सर्चिंग में आता रहेगा मैं डिफ़रेंट सब्जेक्ट कवर करता हूँ तो मुझे उम्मीद है दो चार तो आपके काम आ ही जाएगा ऐसा है मिस्टर नीलादी मैं मानता हूँ कलर कॉस्टली है बट क्या होता है ये काफ़ी लंबे टाइम चलता है इतना लंबे समय चलता है कि आप आ, उतना शायद कलर खरीद लेते कैमल आप पूरा कलर एक साथ चेंज ना करें दो दो तीन तीन चार चार करके आप कलर ऐड करें हर महीना तो वो सेट हो जाएगा क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है जब यूज़ किया देखा कम से कम एक एक साल से ऊपर चला गया एक फिफ्टीन एम का कलर एक डेढ़ साल चला दिया कलर तो आपको मालूम होगा मैं भी बहुत ज़्यादा काम करता हूँ बट कलर काफ़ी अच्छा वो देता है बहुत ही कम कलर में काम हो जाता है और एक बुरी आदत भी बन जाता है बहुत रस को ठुस ठुस के निकालना पड़ता है कलर और वो आदत बन जाता है फिर हम इस तरह से अच्छे कलर में जब काम करते हैं वही कलर वेस्ट करते हैं हम उस समय तो आपको मैं एकदम से रिकमेंड नहीं करूँगा एक एक दो दो कलर करके आप उसमें ऐड कीजिए आपके पैलेट में और आप देखिएगा मतलब कलर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और पेपर भी आपके पेंटिंग्स में थर्टी परसेंट एडवांटेज दे देगा हाँ पसंद तो बहुत है डेनियल स्मिथ बट दो चार ही खरीदा था मैंने देखेंगे एक्चुअली मेरा किसी से बात हो रहा है जो कि ओके वेट मैं थोड़ा दूसरा आ, चला देता हूँ वीडियोस ओके डेनियल स्मिथ मैं कुछ फ़ौरन से परचेज करने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक ब्रांड में सौ सौ कलर है तो हर कलर का कुछ ना कुछ अहमियत है पर जो कलर आप पसंद करते हैं जिस कलर टेस्ट आपको पसंद होता है उस तरह से आप कलर चॉइस करके अपना कलर पैलेट बना सकते हैं और कुछ कुछ कलर है जैसे डेनियल स्मिथ में है मिशन गोल्ड में है और शनेलियर में है कुछ कुछ कलर है बहुत अच्छा है सारे कलर अच्छा है बट उसमें भी कुछ कुछ कलर अच्छा है और बाकी कलर से वो कुछ कलर अच्छा होता है तो वो चाहे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कौन कौन सा कलर कौन कौन सा ब्रांड में अच्छा है क्योंकि ये हम ओपनली आपको बात नहीं कर सकते एक, आ, से ही कहा नीलाद्दी मिस्टर नीलाद्दी ये एक्चुअली बिगनर्स को इतना ज़रूरत नहीं है बिगनर्स अगर अगर आप शुरुआत किया है वाटर कलर में तो आप टू हंड्रेड पेंटिंग के बाद आप सोचिए जरा कलर पेपर चेंज करने के लिए और जो एफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है अच्छी बात है कुछ भी खरीदे कुछ फ़िगर कुछ बर्ड्स कुछ एनिमल्स डालने से पेंटिंग में एक्टिविटी आ जाता है एक्टिव हो जाता है वो पेंटिंग एक्टिविटी बढ़ जाता है तो कंटिन्यू मैंने केदारनाथ का बनाया अभी हाल ही में तो उसमें कुछ फिगर था नहीं लॉकडाउन लॉकडाउन था तो आज मैंने कुछ फ़िगर ऐड कर दिया बट अच्छा लगता है थोड़ा सा वो पहले का जैसा होने वाला है तो देखो धीरे धीरे पेंटिंग इम्प्रूवमेंट करना है और धीरे धीरे आपने पेपर अच्छा लेना है धीरे धीरे अपने कलर अच्छा लेना है एकदम से जरूरत नहीं है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते देखो महंगाई है बट आप उसको और किसी तरीके से एड कर एडजस्ट कर सकते हैं जन्मदिन के उपहार में आप वो मांग लीजिए आप उनसे आपके भरोसे जो आपको प्राइस देते हैं ऐसे ऐसे कुछ आपको एडजस्ट करना है प्लान करना है कि किस तरह से हम उसको परचेस करें हाँ मुझे ऑयल बहुत अच्छा लगता है एक्रिलिक में भी काम किया है बट मुझे ऑयल अच्छा लगता है के बारे में बताओ हाउ टू क्लिक ही ओके okay. वो तो ऐसा है आपके पास अगर आ, आपके आ, आप शायद पेंटिंग करने के बाद एंड्रॉइड से फ़ोटो लेते होंगे तो आप देखिए कि और और भी ब्रांड है आजकल उन उनमें आप फ़ोटो लेके देखिए कैसा हो रहा है आपके दोस्तों का होगा फ़ोन वगैरह उससे थोड़ा चेक कर सकते हैं एक्चुअली देखा जाए हम जितने भी फ़ोटो लेते हैं अभी मेरे पास डी है उसमें भी वो एग्जैक्ट फोटो नहीं आता कुछ तो चेंजमेंट है ये वीडियो में भी कलर चेंज है आपको मैं दिखाता हूँ ये देखिए जो फ़ोटो आया फोटो में कितना सुंदर आया ये और इससे भी अच्छा है जो ओरिजिनल फ़ोटो है और इसमें देखिए उतना वो मज़ा नहीं आया यूट्यूबर हमेशा एडिट करते हैं वीडियोस मैं नहीं चाहता एडिट करना इसलिए मैं रॉ फाइल अपलोड कर रहा हूँ तो आपके सामने रख रहा हूँ अब आप, आपको चेक करना होगा प्रतीक ठीक है कि कौन सा हाँ कैमरा अच्छा है कौन सा मोबाइल का कैमरा अच्छा है जो कि आपके काम आ जाए हाँ श्योर नीला दीदा श्योर प्रतीकते okay, अभी ये जो सामने जो फोरग्राउंड में काफी स्पेस खाली था और पेंटिंग के अंदर अगर आपका नेगेटिव स्पेस बहुत ज्यादा खाली होता है तो आपके सब्जेक्ट के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है मतलब वो अजीब सा लगता है थोड़ा तो सा कमी कमी सा महसूस होता है तो ये फोरग्राउंड थोड़ा सा मैं इंगेज करने के लिए दो चार फिगर ऐड कर रहा हूँ जो कि रेफरेंस में नहीं है और ये पेंटिंग्स ये केदारनाथ टेम्पल बनाने के बाद मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि लोअर पार्ट में थोड़ा सा कुछ मैं अगर ब्लोर में एक्टिव कर दूं ब्लर करके तो नीचे काम करने के बाद मैं ब्लर कर दूंगा थोड़ा पानी स्प्रे करके तो उससे क्या होगा आपके नज़र जो वो डेप्थ वो केदारनाथ के, के टेंपल टेंपल के गेट वो टॉप वहाँ पे नज़र चला जाएगा जो कि मेरा फोकल तो पॉइंट है हाँ वेलकम रश्मि जी थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग आप बहुत देर से वॉच कर रहे हैं और और भी बहुत सारे वीडियोस है आपको काम आ सकता है आप देख सकते हैं एक एक करके और वीडियोस के एंड में जो फिफ्टीन मिनट्स है अब बड़ा अच्छी तरह देखना है सभी को मैं बता रहा हूँ जो विग्नस है जो मेरे क्लास तक नहीं पहुँच पा रहा है वो अच्छी तरह देखे लास्ट फिफ्टीन मिनट जरूर अच्छी तरह देखे हाँ आप ले लीजिए हाँ नीला दीदा आप ले लीजिए ऑरेंज कलर और कौन सा कलर लेना है क्या करना है आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शेयर किया ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है तो um, हम कोई भी मुझे कांटेक्ट कर सकते तो मैं बता दूंगा कौन कौन सा कलर लेना है कौन कौन सा ब्रांड में कोई दिक्कत नहीं है हाँ यहाँ पे कनल कनल कुछ कह रहे हो ये मुझे समझ में नहीं आया क्या ये हार प्योर लाइन मीन्स क्या वॉइस सही नहीं आ रहा है पेंटिंग में ओके okay, और एक है जो लास्ट ये रॉ फाइल और यहाँ पे मेरा पेंडिंग कंप्लीट हो जाता है नीचे वाला पार्ट आप देख सकते हैं मैंने स्प्रे करके थोड़ा मिक्स कर दिया है ओके okay, आपने अच्छा एडवर्टाइज दिया एडवाइस दिया कुणाल जी मैं ध्यान रखूंगा वैसे तो आप कल मेरे को पूछा था मैंने सीखना करके आप तो सीखने की कोशिश कर रहे हो फिर सिखाने भी ठीक है अच्छा है आपसे मैं कोशिश करूँगा आपने जो बात बताया मैं वो ध्यान रखूँगा थैंक यू या थैंक यू बट अब उमर में बहुत छोटे है और मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा तरक्की करोगे आपके अपने लाइन लाइव में और बहुत धन्यवाद आपने वॉच किया मेरे चैनल को आप इतना छोटा होने के बाद भी ओके गुड चलिए थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया कुनाल को छोड़ के तो एक लाइक तो जरूर बनता है तो फिर मिलेंगे अगला वीडियो के साथ थैंक यू टाटा बाय